मैं तो चाहता ही नहीं हूँ कि किसी को कोई सुविधा मिले। खाना इनका ठंडा हो जाएगा, ये तो अच्छी बात है। दिल के बात करने वाला लीडर नहीं होता है कि तुम देख लो क्या करना है तुमके। घंटा लीडर है तबा। लीडर बहुत खतरनाक है। लीडर नहीं है अभी आप। बाप बाप करते हैं, रोते साले वहीं पे। लेकिन वो डंटा नहीं पड़ेगा ना। रहम खा के लीडर पैदा नहीं किए जाते, बेरहम बनी। आग साला तुम्हारे अंदर रहना चाहिए, खाने के अंदर नहीं। तुम जिसको छुओ वो आग में साला जलने लगे। राइट हाँ। मैं तो चाहता ही नहीं हूं कि किसी को कोई सुविधा मिले। मैं तो चाहता हूं कि आपको असुविधा मिले। मैं चाहता ही नहीं। हाल फिलहाल में नीरज चोपड़ा का इंटरव्यू देख रहा था, तो उसको अमिताभ बच्चन ने पूछा, वो गया था कौन बनेगा करोड़पति, तो उसको अमिताभ बच्चन पूछ रहे हैं कि आपने तो बड़ी मेहनत की होगी यहां तक पहुंचने के लिए। तो वो बोला कि अगर मैं अच्छे घर से होता और प्रैक्टिस करके जाता और मखमली गद्दा मिल जाता और गरम गरम खाना मिल जाता तो मैं यहां तक कभी पहुंचता ही नहीं। सारा सुख सुविधा दे ही दो तो इंसान साला काम करेगा। तो अपने आलसी प्राणी है। कहा कि अगर मुझे मुझे मखमली गद्दा ही मिल जाता और घर जाते तो खूब पक्का पकाया खाना ही मिल जाता, तो वो बोला नीरज चोपड़ा कि मैं यहां पहुंचता ही नहीं। कहा मैं पहुंचा ही इसलिए कि मेरे को ये सब नहीं मिल रहा था, मुझे दुख था। कहा मैं पहुंचा ही इसलिए यहां तक। तो खाना इनका ठंडा हो जाएगा, ये तो अच्छी बात है। गुड न्यूज, नॉट ए बैड न्यूज। यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि मैंने इतना सीखा कि खाना ठंडा हो गया। गजब हाँ? मजे में आपको खाना खाएंगे हाँ? और किस कमबख्त ने आपको खाने के लिए बुलाया है? हमारा तो बस चले तो हम दो दिन फलाहार करवा दे आपको साला हाँ? और क्या, बिना खाए रहो, तड़पो। भूख किसे कहते हैं ये भी तो पता चले हाँ? भूख में जब पेट दर्द करता है ना, जब चक्कर आता है तब पता चलता है जीवन में कितना काम बाकी है। राम बहुत मेहनत करना होगा, बहुत मेहनत करना होगा। ऐसा मैं कहता हूं वैसा करो, और एक लीडर ऐसा ही होना चाहिए। अगर आप में इतनी भी अथॉरिटी नहीं है तो घंटा लीडर। आप लीडर अथॉरिटी के साथ चलता है, अथॉरिटी के साथ बात करता है। जैसा मैं कह रहा हूं 6 महीने वैसा करो। गेस्ट को भी बोला करो क्लोजिंग में, ये जैसा मैं कह रहा हूं शर्मा जी 6 महीने वैसा कीजिए। वैसा आप कमाएंगे, मैं आपको कमाऊंगा, लेकिन 6 महीने वैसा कीजिए जैसा मैं कहता हूं। लीडर वही होता है जो अथॉरिटी के साथ बात करे। हिल के बात करने वाला लीडर नहीं होता है कि तुम देख लो क्या करना है तुमके। घंटा लीडर है तब आप, वही जब देखेगा तो। उसको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, वो जान रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। आपको बताना है क्या सही है तुम्हारे लिए और क्या नहीं है। और 1 साल 6 महीने लोगों से डायरेक्टली बोलिए कि जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, जैसे कह रहा हूं वैसा चलो। रहम मत खाइए लीडर्स पे, ये पैसा नहीं है, फलना नहीं है, चिल्ला नहीं है। राइट हाँ, मुझे बताइए कि आप जितने लोगों के साथ आए हैं उतने ही लोग आ सकते थे या उससे अधिक आ सकते थे? लेकिन आपने तो एफर्ट नहीं लगाया ना, क्योंकि उससे आपका काम चल रहा है। और जितने से काम चल रहा है अगर उतना ही काम करना है तो अमीर कब बनेंगे? जितने से काम चल रहा है उतना काम नहीं करना होता, जितने से काम चल रहा है उससे अधिक जो काम करते हैं उससे अमीरी आपकी तरफ आकर्षित होती है। राइट, जितने से काम चल रहा है उतना थोड़े करना होता है, जितना से चल रहा है उससे अधिक करना होता है। आप कभी भी सीखना अकेले बंद कीजिए, क्योंकि आप अकेले कोई मोमेंटम नहीं बना सकते। मोमेंटम भीड़ से बनता है, टीम से बनता है, लोगों से बनता है। और वो मोमेंटम बनाने के लिए कभी भी ट्रेनिंग मीटिंग में
अकेले मत पहुंचिए, चार लोग के साथ नहीं, अगला एकदम अंतिम अस्त्र का जो लीडर है उस तक पहुंचिए और सबको पकड़िए और जबरदस्ती पकड़िए कि चलना है तुमको, बनना चाहते हो कि नहीं बड़ा, सफल होना है कि नहीं, मजाक में कर रहे हो या सीरियस कर रहे हो ये बिजनेस? अगर सीरियस हो तो चलो, मजाक में कर रहे हो तो ठीक है जो करना है कर। अरे लीडर बहुत खतरनाक है, लीडर नहीं है अभी आप, लीडर बहुत खतरनाक प्राणी होते हैं। और अगर आपको लोगों की परवाह होते ना तो आप किसी को छोड़ते नहीं, आपको अपनी परवाह है। जिस दिन लोगों की परवाह होगी रहम खाना बंद कर दीजिएगा लोगों पे। जिस इंसान को लोगों की परवाह होती है लोगों पे रहम नहीं करता, फिर वो लोगों पे थोड़ा स्ट्रिक्ट रहता है। चलना है तो चलना है दसो, करना है तो करना है दसो, काम करना है तो करना है, कुछ नहीं। हमारे पापा कहते हैं कि हमें बुखार हुआ रहता था और आर्मी में आके ऑफिसर बोलते थे कोई बुखार नहीं है, निकलो पत्ता बिनो। तो पापा बोलते थे कि हमें बुखार है, हम कांप रहे हैं, और ऑफिसर आके कहता था बट कोई बुखार नहीं है, बाहर निकलो पत्ता बिनो। पापा कहते थे अजीब लगता था, हमें बुखार है, वो कहता कोई बुखार नहीं है पत्ता बिनो, और कहते पत्ता बिनते बिनते बुखार ठीक हो जाता। रहम खाइएगा तो योद्धा बनेंगे, रहम खाने से कोई योद्धा तैयार होता है। आर्मी की ट्रेनिंग होती है ना, मैं तो वहां तो आर्मी का लड़का हूं, तो आर्मी के कहते कि ट्रेनिंग होती है ना तो लोग बाप बाप करते हैं, बाप बाप, और ट्रेनिंग सेंटर से बहुत लोग भागने की कोशिश तक करते हैं कि साला कहां फंस गया, और कहते हैं कि अगर पैर ठीक से नहीं पटकते हैं ना तो पैर पे दे डंटा दे डंटा, और बाप बाप करते हैं रोते साले वहीं पे। लेकिन वो डंटा नहीं पड़ेगा ना तो वो सैनिक भी नहीं बन पाएगा, योद्धा भी नहीं बन पाएगा, राइट? साहब रहम खा के लीडर पैदा नहीं किए जाते, बेरहम बनिए। कहीं कहीं पे बेरहमी भी जरूरी होगी, हर जगह पे रहम खाइएगा तो बड़े लीडर तैयार नहीं कर पाइएगा। जाइए खाना खाइए, बहुत लोग के मन में खाने के ताप के बारे में चल रहा होगा, थर्मामीटर लगा के नाप के खाइए, हाँ कितना तपित है ये खाना। अरे आग साला तुम्हारे अंदर रहना चाहिए, खाने के अंदर नहीं, तुम जिसको छुओ वो आग में साला जलने लगे, राइट? हाँ अरे भैया आग तुम्हारे अंदर चाहिए, खाने में आग होना उससे क्या लगा, तुम्हारे अंदर आग होना चाहिए। आप यहाँ खाने नहीं आए, हमने आपको खाने बुलाया भी नहीं, हमने जो देना था वो दिया आपको, और अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त।